आई होप सब कोई अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो मैं इस बार आपके लिए लाई हूँ एक थाली रेसिपी जो कि बहुत कम समय में बनकर रेडी होती है, 10 मिनट में ही बनेगी। और कम हर थाली में आपको कोई पूड़ी या कुछ ज़्यादा ऑयली चीज़ें दिखाती हूँ, तो इस थाली रेसिपी में कोई ऑयली चीज़ आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि शिवरात्रि एक ही दिन की पर्व होती है और एक दिन में ही हम क्या ऑयली चीज़ खाएं, क्योंकि ना हम फ्रूट और सारी चीज़ का ही हम इस व्रत में खाए और सब चटपटा ही कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। तो कम से कम इंग्रेडिएंट में कम इसमें तेल की यूज नहीं होगी, सिर्फ 1 चम्मच तेल यूज होगी ये सारे इंग्रेडिएंट में और ये थाली रेसिपी बनकर रेडी हो जाएगा। और ज़्यादातर इस थाली में हम लोग फ्रूट का ही यूज़ करेंगे। तो चलिए फटाफट आपको बताते हैं इस शिवरात्रि स्पेशल थाली रेसिपी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम बनाते हैं थाली रेसिपी। हमारे थाली में है सबसे पहले हलवा और ये है सिंघाड़े के आटा की कतली और ये है शकरकंद उबाला हुआ और ये है बनाना शेक साबुदाना खिचड़ी और ये है सारे हमारे ड्राई फ्रूट। तो मैंने सिंघाड़े के आटा की कतली रेसिपी फिलहाल ही शेयर किया था। महाशिवरात्रि आने वाला है, इस दिन पूरे देश धूमधाम से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है। शिवरात्रि पे लोग विशेष तरह के सिंघाड़े के आटे के हलवा या कतली बनाकर ही खाते हैं। यह खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आप व्रत में कुछ नॉन ऑयल खाना चाहते हैं तो आप ये थाली रेसिपी जरूर ट्राई करें। ये नॉन ऑयल ही थाली रेसिपी है। कई लोग उपवास और सिंघाड़े के आटा के बनाते हैं, पूरी खाते हैं, लेकिन यह काफ़ी ऑयली होता है। ऐसे में आप सिंघाड़े के आटा के बने मिठाई या फ्रूट से बना सकते हैं ये थाली रेसिपी। तो चलिए हम बनाते हैं थाली रेसिपी। तो सबसे पहले बनाएंगे हम बनाना शेक। तो बनाना को हम छील लेते हैं और फिर इसे हम काट लेते हैं, अपने मिक्सर जार में डाल लेते हैं काट कर। बनाना अच्छे से हमारा ये पक गया है, इसमें हम डाल देते हैं काजू। आप अपने मन पसंदीदा ड्राई फ्रूट डाल लीजिएगा, इससे हमारे पेट फुल हो जाते हैं हम बनाना शेक पीते हैं तो व्रत में। और मैं 2 चम्मच चीनी इसमें डाल देती हूँ और इसमें हम दूध डाल देते हैं 1 कप और इसे हम पीस लेते हैं सजार में और एक स्मूथ प्यूरी बना लेते हैं इसका। तो हमारा ये शेक बनकर रेडी हो गया है, इसे हम अपने ग्लास में सर्व कर लेते हैं और इसे अपन ड्राई फ्रूट से आप गार्निशिंग कर लीजिएगा। मैंने ये अंजीर लिया है और कुछ किशमिश लिया है ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए। तो हमारा ये बनाना शेक बनकर रेडी हो गया। अब हम बनाते हैं साबुदाना खिचड़ी रेसिपी। तो ये देखिए मैंने भिगो कर रख दिया था साबुदाना और हमें साबुदाने अच्छे से ये फूल चुके हैं। तो आप पानी ज़्यादा ना भिगोएगा, हमारे साबुदाना से थोड़े से कम रहेंगे पानी तभी आपके परफेक्ट हो सकेंगे साबुदाना। तो हम कुछ 1 चम्मच घी में हमने कुछ मूँगफली के दाने डाल दिए, उसे कलर चेंज होने तक हमें भूनना। तो हमारा ये कलर चेंज हो चुका है, इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और हम सेम उसी ऑयल को ही फिर यूज करेंगे। उसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा, फिर इसमें हम डाल देंगे कुछ कड़ी पत्ता। आप कड़ी पत्ता ना भी डालें तो चलेगा, अगर आप खाते हैं तो यूज कीजिएगा। और फिर इसमें हम डालेंगे उबले हुए आलू। आलू को मैंने छोटे छोटे पीस में कर दिया और 1 बड़ी मिर्च हरी मिर्च मैंने डाल दिया है और इसे अच्छे से हम भून लेते हैं जब तक कलर चेंज ना हो। फिर इसमें हम डाल देते हैं सांदा नमक और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आलू के साथ। तो अब हम डाल देते हैं अपने साबुदाना जो हमने भिगो कर रखा हुआ था, खिले खिले साबुदाना ऐसे हैं तो आपके ऐसे ही बनेंगे पूरे खिले खिले। अगर आप अच्छे से परफेक्ट से अपना साबुदाना भिगोने का भी ट्रिक होता है तो अच्छे से अगर आपको भिगोएंगे तो अच्छे से खिले खिले बनेंगे। इसका सेपरेट वीडियो मेरे चैनल में है तो आप विजिट कर सकते हैं और साबुदाना की खिले खिले खिचड़ी देख सकते हैं वीडियो परफेक्ट तरीके से। और ये अच्छे से हमें भूनना है और जब तक ये ट्रांसपेरेंट हो ना जाए, इसके कलर चेंज ना हो जाए, इसे हल्का सा हमें ढक देना है और फिर हम अब
मेरा ये देखिए साबुदाना का कलर भी पूरा चेंज हो गया है, तो आप समझ जाइए कि आपके साबुदाना की खिचड़ी बनकर रेडी हो गए हैं। अब इसे हम डाल देते हैं जो हमने मूंगफली भूंजे हुए थे उसे हम डाल लेंगे इसमें और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा साबुदाना खिचड़ी बनकर रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने ये एक बड़ा चम्मच घी ले लिया है और मैं ये आधा किलो गाजर ही बना रही हूँ, उसको कद्दूकस कर लिया है मैंने और इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे भूनते रहना है। जब ये थोड़ा सा गल जाएगा तभी हम इसमें दूध डालेंगे। तो हमारे गाजर अच्छे से गल गए हैं भूनते भूनते, तब इसमें हम दूध डाल लेते हैं। तो दूध मैंने लिया है आधा लीटर, फुल क्रीम ही लिया है और हमारे गाजर अच्छे से डीप हो गए हैं दूध में, तब इसे हम उबाल लेते हैं अच्छे से। और आप बराबर अपने गाजर के हलवा को चलाते रहिएगा, नहीं तो ये तलवे में लग जाते हैं, क्योंकि साइड साइड में आपके मलाई बनते रहते हैं, तो आप उसे चलाते रहिएगा। फिर अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी। हमारे दूध पूरे एब्जॉर्ब हो गए हैं, सूख गए हैं देखिए, और चीनी को भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ऐसे अच्छे से हम भून लेते हैं जब तक इसमें कि पानी पूरा हमारे सूख ना जाते हैं, तब तक इसे भूनना है हमें। फिर अब हम इसमें डाल लेते हैं मनपसंद ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में मैंने लिया है काजू किशमिश, आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैंने काजू किशमिश को भूनना नहीं है, ऐसे ही डाल दिया है, आप भूज कर भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते। तो अब हमारा हलवा बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब हम बनाएंगे शकरकंद। तो शकरकंद हमारा ये मीठा नहीं है, तो इसे मीठा तो बनाना पड़ेगा तभी खाने में भी अच्छा लगेगा। तो हम इसे छोटे छोटे पार्ट में काट लेते हैं, ऊपर से अच्छे से मैंने साफ कर लिया है और इसमें हम डाल लेते हैं गुड़। छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं इसमें। फिर इसमें आप जरूरत अनुसार पानी डाल दीजिएगा, जितना में आपका ये शकरकंद उबल जाए उतना ही पानी डालिएगा। अब हम बिठा लेते हैं, अब इसे हम बिठा देते हैं गैस में और दो विसिल लगा लेते हैं। तो हमारा ये शकरकंद उबल कर रेडी हो गया है, हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा शकरकंद बनकर रेडी हो गया, उसके कलर भी चेंज हो गए हैं, गुड़ की तरह ये दिख रहे हैं। तो अब हम बनाएंगे फ्रूट, कुछ कटिंग करेंगे। तो फ्रूट में मैंने लिया है संतरा, तो संतरा को हम छील लेते हैं, जैसे कि अभी सीजन है सारे फ्रूट का, तो जो जो सीजन है वही फ्रूट आप ले लीजिएगा या तो आपके घर में जो अवेलेबल है वही ले लीजिएगा। फिर मैंने लिया है सेब, सेब को भी हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं ताकि हमें खाने में आसानी हो, और इसके बीज को हम निकाल लेते हैं। तो इसी तरह हम सारे सेब को कटिंग कर लेंगे। और फिर हम ले लेते हैं पपीता, तो पपीता को पीछे से छील लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं। तो हमारे ये तीन फ्रूट्स हो गए, आपके पास जो फ्रूट है उसी को ही आप ले लीजिएगा। तो हम इसे सर्व करेंगे एक नारियल के टुकड़े में, तो नारियल भी हमारा एक फ्रूट ही हो गया, तो आप इसमें नारियल भी खा सकते हैं। तो हम इसे सारे फ्रूट हम अपने नारियल में एक-एक कर रख लेते हैं। अब हमारा पूरा थाली बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड्स। ये थाली रेसिपी आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो इस शिवरात्रि को ये फलाहार थाली रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, और ये कोई भी त्यौहार में बना सकते हैं जिसमें आप फलाहार करते हैं। तो ये एक दिन का ही व्रत है, तो मैंने ज़्यादातर फलाहारी फल का ही ज़्यादा क्वांटिटी इसमें दिया है, क्योंकि हम नवरात्र व्रत होता है तो उसमें हम पूरी बना लेते हैं। तो ये एक दिन का ही व्रत है, तो हम क्यों ना ये फलाहारी थाली बनाएं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल माय फ्रेंड्स। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट रेसिपी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।